लावा एक भारतीय स्मार्टफोन एसेसरीज ब्रांड है और ये फ़िलहाल इसी साल शुरुआत में कुछ फ़ोन लॉन्च किए थे, इसके बाद ये खामोश हो गए। लेकिन जैसे ही कंपनी अपने 5G फ़ोन के बारे में अनाउंसमेंट कर देती है तो अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी एक्साइटेड हो जाती है जैसे कि हमें मतलब कुछ चांद मिलने वाला हो, मतलब कहते ना कि जन्नत मिलने वाली हो, कुछ ऐसा सा अपने अंदर फील आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब भारत का नाम जुड़ जाता है ना किसी कंपनी से, या फिर इंडिया का नाम जुड़ जाता है, तो ऐसा लगता है मन में कि एक अपनापन सा फील हो जाता है। तो कंपनी ने कुछ दिन पहले अनाउंसमेंट करी कि हम दिवाली के टाइम एक अपना 5G फ़ोन लॉन्च करेंगे जो 17,000 से लेकर 20,000 के प्राइस तक होगा और ये कम्प्लीटली गेम चेंजिंग फ़ोन हो सकता है, जहाँ तक कंपनी का मानना है। लेकिन आज कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसके बारे में सोच के या देख के ऐसा लगता है कि ये कैसे हो गया, एक अनएक्सपेक्टेड की तरह फील हो रहा है। एक्सीडेंटली कहो या फिर जानबूझ के कहो, आज कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे एक लाइव इवेंट शेड्यूल हो गया कि कंपनी 9 नवंबर को, यानी कहते ना उसे कि देर आए दुरुस्त आए, 9 नवंबर को अपना एक फ़ोन लॉन्च करने वाली है जिसका नाम है लावा अग्नि 5G फ़ोन। अब ये फ़ोन नाम इसका जो अग्नि रखा गया है वो इससे भी थोड़ा रिलेट कर रहा है कि आज इंडिया ने अपनी अग्नि मिसाइल का एक सफल परीक्षण किया है। हालांकि मिसाइल का और फ़ोन का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन नाम थोड़ा उसी से मिला के रखा हुआ तो रिलेट कर रही है। खैर कोई बात नहीं, हम प्लान कर रहे थे दिवाली 4 तारीख का, ये 9 तारीख को फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं हालांकि दिवाली के कुछ दिन बाद। ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्या ये एक्सीडेंटली लीक हुआ है या फिर कंपनियां जानबूझ के की है। हालांकि इस केस में तो मैं 60-40 नहीं 80-20 कहता हूँ, क्योंकि कंपनी का इंटेंशन 80% यही होता है कि हम सामने कुछ ऐसी खलबली पैदा कर दे ताकि हमारे बारे में चर्चा होना शुरू हो जाए, हमारे बारे में बात होना शुरू हो जाए, और 20% उसे एक्सीडेंटली का नाम दे देते हैं कि हमसे गलती से हो गया। हालांकि गलती एक होती है, दो चीज़ें नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपना प्रोडक्ट पेज भी लिस्ट करके डिलीट कर दिया था, और जो प्रोडक्ट पेज में लिस्टिंग निकली थी उसके हिसाब से उसमें प्राइस, क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, क्या कुछ चीज़ें नहीं होंगी, वो सब कुछ बाहर आ गया। हालांकि एक फेमस टिप्सर मिस्टर अभिषेक यादव, उन्होंने इस फ़ोन के पूरे रेंडर्स भी बाहर दे दिए, स्पेसिफिकेशन के साथ साथ पूरे रेंडर्स भी पब्लिश कर दिए। देखने में फ़ोन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, एक सेंटर पंच होल है और इसके बाद 90 हर्ज़ वाली एक डिस्प्ले है, 5000 mAh की बैटरी है, 3.5 mm का जैक भी इसमें दिख रहा है, USB Type-C पोर्ट है, पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है, साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिख रहा है, ऊपर IR ब्लास्टर भी दिख रहा है। तो मतलब इसके बाद इसकी प्राइस भी दिख गई थी, तो कहा ये जा रहा है कि थोड़ा सा ना एक्साइटिंग फ़ोन ये होने वाला है। जैसे कि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे इस वाले चैनल को तो हमारा जो नीचे लाल वाला बटन है वो भी ग्रे हो जाएगा, लावा की तरह एक्साइटमेंट हो जाएगी। स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ जो मिस्टर अभिषेक यादव ने शेयर की है ट्विटर पे, और जो ये एक्सीडेंटली इनके पेज पे लिस्ट भी हो गई थी, जो इनका प्रोडक्ट पेज होता है परचेज के लिए, जब जहाँ से हम बाय करते हैं वहाँ पे जो लिस्टिंग हाईलाइट हुई थी उसमें आपको साफ साफ दिख रहा है कि मीडियाटेक का डायमेंसिटी 810 वाला एक प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, साथ के साथ 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी सेंसर भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, इसमें आपको 90 हर्ट्ज वाली एक डिस्प्ले भी दिखाई दे रही है, साथ के साथ इसमें आपको एंड्रॉयड 11 का भी एक कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो मतलब यूँ कहो कि एक कम प्राइस में हमें बहुत ही तगड़ी चीज़ देखने को मिल रही है। एक चीज़ और भी कहा जा सकता है कि अगर लावा की तरफ से, वैसे फ़िलहाल जो इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड है उनके हिसाब से ये पहला 5G फ़ोन है, क्योंकि इंडिया में अभी दो तीन कंपनियां हैं, लेकिन हम फ़ोन फ़िलहाल दो ही लॉन्च कर रहे हैं, एक लावा दूसरा माइक्रोमैक्स। माइक्रोमैक्स ने भी अनाउंस किया था कि हम वर्क कर रहे हैं एक 5G फ़ोन में जो एक बजट सीरीज़ में होगा, लावा ने अनाउंस पहले कर दिया था, लेकिन आज एक्सीडेंटली चीज़ें बाहर आई हैं। तो मेरे हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि लावा का ये 5G वाला फ़ोन एक डील ब्रेकर हो सकता है, क्योंकि 19,000 की प्राइस है और एक अच्छा प्रोसेसर देखने को मिल रहा है, साथ के साथ एक अच्छी डिस्प्ले भी देखने को मिल रही है पंच होल की, और पंच होल थोड़ा सा ना छोटा अभी देखने को मिल रहा है। तो मतलब कहना कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि हो सकता है शायद लावा इस वाले फ़ोन में बहुत दिन से काम कर रहा हो
और आज अचानक से इन्होंने सोचा चलो थोड़ा सा मार्केट में हलचल पैदा कर दें ताकि लोग हमारे में बात करना शुरू कर दें। जो मेरे हिसाब से इसके स्पेसिफिकेशंस निकलेंगे जो हो सकते हैं संभवतः है, एक 6.5 इंच की एक 90 हर्ट्ज़ फुल एचडी प्लस की डिस्प्ले होगी जो कि एक ठीक ठाक है क्योंकि ये 20,000 के अंदर फ़ोन लॉन्च हो रहा है। हालांकि बातें जैसे ये ट्विटर पे इसकी डिटेल्स बाहर आई बातें शुरू हो गई कि ये ओवर प्राइज्ड है, बहुत महंगा होगा, ये वो दुनिया भर 3-5 जो आजकल नॉर्मल यूज़र कंज्यूमर करता है। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन रखूँ इस मैटर पे तो ये एक्सीडेंटली थोड़ा सा हलचल पैदा की गई। हालांकि इसकी जो ओरिजिनल प्राइस आएगी वो हमें 15,000 से 17,000 के बीच में देखने को मिल सकती है। जैसे कि कंपनी ने कहा था कि हम 17,000 से 20,000 के प्राइस रेंज में हम फ़ोन लॉन्च करेंगे। हालांकि कुछ दिन पहले इसकी एक गीकबेंच पे लिस्टिंग तो आई थी, सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे लिस्ट भी हुआ था, कुछ ऐसे थोड़ी थोड़ी न्यूज निकल के सामने आई थी। 4GB और 6GB रैम ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं, जहां तक 64 जीबी का इंटरनल स्टोरेज होगा ताकि 128GB का एक हाई एंड वेरियंट होगा। तो दो में मुझे संतोष करना पड़ेगा, मतलब दो ही देखने को मिल सकते हैं। 64 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर के साथ इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल सकता है। हालांकि बाकी दोनों सेंसर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं निकली, लेकिन जहां तक पर्सनली मेरा मानना है कि एक 8 मेगापिक्सल वाला सेंसर होगा, दूसरा एक 2 मेगापिक्सल वाला होगा जिसके डेप्थ एंड माइक्रो चीज़ें देखने को मिल सकती है। 5000mAh की बैटरी होगी इस वाले फ़ोन में। अगर फास्ट चार्जिंग की बात करें तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है, क्योंकि पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर आते से पहले कंपनी ने अपना पेज रिमूव कर दिया है। तो मैंने पहले नहीं बताया था कि एक्सीडेंटली कहो या फिर इसे इंटेंशनली कहो, जो भी व्हाटएवर, ये इनका इंटरनल मैटर है। तो बाकी डिटेल्स बाहर नहीं है कि फास्ट चार्जिंग क्या होगी, लेकिन जहां तक मेरा अनुमान है तो 18 वाट कम से कम हमें देखने को मिल सकती है। बाकी 16 मेगापिक्सल की एक सेल्फी होगी। दूसरी चीज़ में इसमें आपको एंड्रॉयड 11 पर बेस्ड होगा ये फ़ोन, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड होगा। तो आप में इसमें थोड़ा सा लावा की कुछ 2-4 एप्लीकेशन के साथ आप स्टॉक एंड्रॉयड का फील इसमें ले सकते हैं, जहां तक पर्सनली मेरा मानना है। तो प्रॉब्ली ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाहर आई हैं, साथ के साथ इसकी प्राइस भी देखने को मिली, जहां पे ये दिखा कि ये 19,999 रुपये का फ़ोन होगा जिसमें आपको डायमंडसिटी 810 वाला प्रोसेसर, एक 5G प्रोसेसर देखने को मिल सकता है। साथ के साथ थोड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जैसे कि 90 हर्ट्ज़ वाली डिस्प्ले होगी, 5000mAh की एक बड़ी बैटरी होगी, फास्ट चार्जिंग वगैरह तो नहीं दिया, एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होगा। तो उस हिसाब से मैं पर्सनली कहूँ तो फ़ोन मुझे ठीक ठाक लगा अगर ये इस प्राइस रेंज में। तो चलो भला, ये इनका एक गेम होता है, मार्केटिंग गेम कहलाती है, हर स्मार्टफोन ब्रांड करते हैं कि थोड़ी सी डिटेल्स लीक करा देती है, बाद में जब ये लॉन्च डेट एक्चुअल लॉन्च आता है या लॉन्च इवेंट आता है तो इसके बाद प्राइस कुछ वहाँ होती है। तो हमने पहले भी देखा शाओमी और रियलमी के साथ इनकी प्राइसिंग लीक हो जाती है, मतलब जैसे कि लॉन्च इवेंट का प्रिपरेशन होता है, जो रिकॉर्ड्स होते हैं और वीडियोज़ लाइव के लिए, तो वहाँ पे ये प्राइस को लीक कर देते हैं, बाद में उस प्राइस सेगमेंट जो लॉन्च वहाँ पे लीक होते उसके बाद कट करके थोड़ा सा कम के देते। कहते हैं ना कि ये जानबूझ के स्मार्टफोन ब्रांड चाहते हैं कि हमारे बारे में लोग बात करें। तो पर्सनली मेरा मानना है कि 17,000 से लेके 20,000 के 19,000 के बीच में इन्होंने प्राइस शिफ्ट की थी पहले ही कि हम फोन लाएंगे। तो मेरा जहाँ तक मैं मानता हूँ कि इनका जो स्टार्टिंग वेरियंट होगा वो करीब 16,000 से होगा, और इनका जो टॉप वेरिएंट आएगा वो करीब 18 या 19,000 के बीच में हमें देखने को मिल सकता है। अगर इस प्राइस सेगमेंट में एक 5G फ़ोन हो जाए और एक बेटर प्रोसेसर के साथ आ जाए तो मेरे हिसाब से ये लावा के लिए एक डील ब्रेकर हो सकता है। होपफुली आपको मेरा पॉइंट तो थोड़ा समझ में आएगा। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये वाला फ़ोन जो प्राइसिंग इसकी लीक हुई है या फिर जो स्पेसिफिकेशन इसके लीक हुई है उसके हिसाब से कैसा लगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर मार देना। मेरा नाम है विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय।